तो कैसर अभी अभी जस्ट यार फुटबॉल खेल के मैं आ चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ अपने घर पर। आज तो फुटबॉल खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आ गया, पर एक सेकंड, यहाँ पर क्या चल रहा है? यहाँ पर लगता है कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी खेल रहा है। अपन को छोड़ो, अपन ये करना है फटाफट, अपनी बॉल को घर पर लेकर चलते है। चलो चलो चलो। वैसे हर बार मेरी बॉल यार गुम हो जाती है, पर इस बार मैं बचा के लेकर आ चुका हूँ। ये चल क्या रहा है रोड पर? ये गाड़ियां वहां पर ट्रक की उल्टी पुल्टी किसने कर दी है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा अपन को क्या करना है। छोड़ो, जल्दी जल्दी बॉल को लेके चलते, मैं बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलने लग गया। चल चल मेरी बॉल, हम जाएंगे मेरे घर पर। ए, ये देखो ये बच गया, पकड़ो इसको। अरे क्यों पकड़ो, मैंने क्या किया? पकड़ो, ये भाग रहा है। अरे मैंने तो मोबाइल का बिल भी टाइम पर भर दिया था, अब लोग ये मुझे क्यों मारने आ रहे हैं? अरे क्या हो गया यार, जल्दी यहाँ से निकलते हैं। मेरी फुटबॉल भी पीछे छूट गई, हर बार ऐसा होता है, मेरी फुटबॉल कहीं ना कहीं गुम हो जाती है और इस बार इन लोगों की वजह से भागना पड़ रहा है। जल्दी भागो, पता नहीं कौन मेरे पीछे पड़ गया है। तो कैसर वो लोग पता नहीं कौन थे, उनसे बचते बचाते मैं अपने घर पर आ चुका हूँ। फटाफट से चलते हैं। अरे यहाँ पर ये क्या चल रहा है? ये आवाज कैसे आ रही है? और ये इतने सारे जानवर मेरे घर में क्या कर रहे हैं? ये क्या, बंदर, कुत्ता, ये चीता यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे क्या चल रहा है मेरे घर में? ये क्या, कुत्ता, बंदर, गाय, बिल्ली, चूहा, सब के सब मेरे घर में कहाँ से आ गए? अरे ये क्या चल रहा है, ये लोग कहाँ से आ गए? ये क्या चल रहा है? ये क्या, यहाँ पर तो ये खतरनाक मुर्गियां भी घूम रही है। बिल्ली, अबे चौप, अरे चौप, ये क्या चल रहा है? ये सारे लोग इधर क्या कर रहे हैं? आओ, ये सब के सब मेरा दोस्त है, हम लोग पार्टी कर रहे हैं, नाचो। पार्टी कर रहे हैं? अरे यहाँ पर कोई पार्टी करने की जगह, बाहर निकलो ऐसे। आओ, तुम हमें बाहर निकालना चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हें बाहर निकालना चाहता हूँ, ये मेरा घर है। आओ फ्रैंकलिन, एक बार पीछे देखो, पीछे पीछे कौन? अगर तुम ना हमें बाहर निकाला तो देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। अरे चौप, ये क्या कर रहा है? अच्छा ठीक है, जो करना है करो। मेरे घर को इन्होंने मच्छी मार्केट बना दिया। बस यहाँ पे मछलियाँ नहीं है, बाकी सारे एनिमल्स हैं। इन सब को छोड़ो, फटाफट से अपनी टीवी शुरू करते, देखते हैं क्या चल रहा है लॉस सैंटोस में। ब्रेकिंग न्यूज, लॉस सैंटोस पर अटैक हुआ डेडपूल हल्का। इस डेडपूल के बच्चे की मैंने सारी शक्तियाँ ले ली है, अब तो किसी काम का। अरे डेडपूल निकल जाए यहाँ से। ये डेडपूल एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और साथ में इसकी पूरी की पूरी आर्मी भी है जो कि पूरे लॉस सैंटोस को तबाह कर रही है। मेरे बच्चों जाओ और पूरे लॉस सैंटोस को डेडपूल का नौकर बना दो। हमें ये डेडपूल वायरस पूरे लॉस सैंटोस में फैलाना है ताकि मैं इन सब पर राज कर सकूं। इस लॉस सैंटोस को हम खत्म करके रहेंगे। इस लॉस सैंटोस को कोई नहीं बचा सकता। ये लोग धीरे धीरे पूरे लॉस सैंटोस को डेडपूल का नौकर बना देंगे। तो अगर आप अभी तक डेडपूल के नौकर नहीं बने तो जल्दी जल्दी छुप जाइए, अलमारी, टॉयलेट, जहाँ जगह मिले छुप जाइए, वरना ये डेडपूल वायरस आप तक भी पहुंच जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज। तो कैसर अभी मैंने लॉस सैंटोस पर न्यूज देखी, ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। डेडपूल हल्क तो सही में बहुत ही खतरनाक है, वो पूरे लॉस सैंटोस पे राज करना चाहता है और हमारा डेडपूल भी कुछ नहीं कर पाया। ये क्या चल रहा है? ये क्या? अरे फ्रैंकलिन, मेरी मदद करो। अबे डेडपूल, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? रुक जा, मैं आ रहा हूँ, रुक जा। अरे कैसे ये डेडपूल यहाँ पर कैसे आ गया? अबे क्या हो गया डेडपूल? अरे अरे फ्रैंकलिन, मेरी मदद करो, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अरे पर तुझे हुआ क्या? और ये न्यूज में क्या चल रहा है? डेडपूल हल्क कहाँ से आ गया? अरे उस हल्क के बच्चे ने मेरी सारी की सारी पावर्स चुरा ली, अब वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो चुका है और वो पूरे लॉस सैंटोस को अपना नौकर बना रहा है। जब मैं रोड पर आ रहा था तो तुम्हारे घर के आसपास भी मुझे डेडपूल एलियंस दिखाई दिए। अरे हाँ, वो तो मुझे भी दिखाई दिए थे, वो मेरे पीछे ही पड़ गए थे, पर मैं उनसे बच के आ गया। फ्रैंकलिन, वो लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मेरी मदद करो फ्रैंकलिन। अरे मैं कैसे तेरी मदद कर सकता हूँ, तू सुपर हीरो है, मैं तो नॉर्मल सा इंसान हूँ जिसके घर में पूरा का पूरा जंगली जानवरों का मेला चल रहा है। फ्रैंकलिन, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, अगर तुमने मेरी मदद नहीं करी तो अभी पूरा लॉस सैंटोस, उसके बाद पूरा अमेरिका, उसके बाद पूरी अर्थ, सब के सब खत्म हो जाएगी और सब के सब उस डेडपूल हल्के अंदर आ जाएंगे, वो सब खत्म कर देगा। फ्रैंकलिन, तो
तुम्हें मदद करनी होगी। डेडपूल, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। अरे ये क्या, ये तो वही लोग हैं। हाँ फ्रैंकलिन, ये वही लोग हैं जो पहले तो नॉर्मल लोग थे, पर डेडपूल हक ने अपना वायरस फैला के इनको इन्फेक्टेड कर दिया है। तू टेंशन मत ले, अब इनको बताता हूँ मैं। इनकी ऐसे की तैसे निकल जाओ यहाँ से, मेरे घर से जाओ वरना सबको खत्म कर दूंगा। ये लो निकल जाओ यहाँ से। देखा डेडपूल, सबको खत्म कर दिया। अरे फ्रैंकलिन, इनको मारो मत, ये नॉर्मल लॉस सैंटोस वासी है जो कि वायरस की वजह से ऐसे बन गए। अगर तुमने इनको मारा मतलब तुमने लॉस सैंटोस वासियों को मार दिया। अरे तो क्या करेंगे, ये लोग तो हमें भी खुद के जैसा बना लेंगे। तभी तो फ्रैंकलिन, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। पर कैसे? पहले घर के अंदर चलो, फिर बताता हूँ। अरे डेडपूल, अब बता क्या प्लान है। फ्रैंकलिन, मैंने बहुत सारे प्लान के बारे में सोचा, पर बस मुझे एक ही चीज समझ आ रही है। जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे उस हल्क डेडपूल को एक डेडपूल ही मार सकता है, जो कि मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हें जाना पड़ेगा मेरे बाबा के भाई के चाचा के फूफा के नाना के बेटे के भाई के पास, बस वही है जो कि हमारी मदद कर सकता है लॉस सैंटोस को बचाने में। कौन कौन कौन? नाना का क्या? नाना के बेटे के फूफा के भाई के पापा का भाई। अरे वो कब मिलेगा? वो कहीं तुम्हें मिल नहीं सकता, तुम्हें लॉस सैंटोस की सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाना होगा और वहाँ पर ये मंत्र बोलना पड़ेगा। अगर तुमने ये मंत्र सही बोला तो वो आएगा। क्या मंत्र? क्या दिखा? नहीं, अभी मत पढ़ना, उस पहाड़ी पर पहुँच के पढ़ना, तभी वो आएगा। और वो नहीं आया तो क्या होगा? तो पूरा का पूरा लॉस सैंटोस खत्म हो जाएगा। अब जाओ। अरे पर तू भी तो जा सकता है, या मेरे साथ चल ले। नहीं, मैं नहीं चल सकता। अरे अब तू क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि मैंने नाना के बेटे के भाई के फूफा की बेटी के पापा को मार दिया था, और जिससे तुम मिलने जा रहे हो वो उसका पापा था। मैंने उसके पापा को मार दिया, इसलिए वो मेरी बात नहीं सुनेगा। अरे अब तूने उसके पापा को क्यों मारा? वो बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता था, इसलिए मार दिया। अब जाओ उसको लेकर आओ, वरना पूरा लॉस सैंटोस बूम। अच्छा ठीक है, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, मुझे इसके नाना के चाचा के बेटे के फूफा के भाई के पास जाना ही पड़ेगा, ताकि वो आए और हमारी मदद कर सके इस लॉस सैंटोस को बचाने में। ये हल्क डेडपूल सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और अगर आप चाहते हो हम इस हल्क डेडपूल को हरा दे, तो फटाफट से कमेंट में लिख दो हल्क डेडपूल तू तो गया। हम इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं डेडपूल के किसी रिश्तेदार के पास। अब बहुत ही बड़ा पता नहीं रिलेशन है, पर कोई तो रिश्तेदार है। चलो फटाफट से लॉस सैंटोस की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चलते हैं। तो काइजर, अभी मैं लॉस सैंटोस के सबसे बड़े माउंटेन पर पहुंचने वाला हूं, पर पता नहीं यहाँ पर आते आते मौसम इतना ज्यादा खराब क्यों हो चुका है। और आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर तो सीधा सीधा लिखा हुआ है डेंजर, पर हमें यहाँ पर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें डेडपूल के नाना के बेटे के पापा के फूफा के भाई के बेटे की शादी में जाना है। हमें डेडपूल के नाना के बेटे के चाचा की शादी जिनसे हुई थी उसके पापा के भाई की बेटी के पास जाना है, और उसके पास पहुंचने के लिए हम आ चुके हैं लॉस सैंटोस के टॉप ऑफ द माउंटेन। ये लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा माउंटेन है, और अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर हमें वो मंत्र बोलना है जो कि हमें डेडपूल ने बोला था, ताकि जो उसका रिलेशन वाला डेडपूल है वो यहाँ पर आ सके। चाओ चिंग चांग चाओ डेडपूल भगवान तुम इधर आओ, चाओ चिंग चांग चाओ डेडपूल भगवान तुम इधर आओ। अरे ये तो आई नहीं रहा। अरे कैसे लगता है आप सबको भी साथ में बोलना पड़ेगा, तो जल्दी जल्दी कमेंट करो और साथ में बोलो चाओ चिंग चांग चांग डेडपूल भगवान जल्दी आओ। अरे ये क्या चल रहा है, बिजली कड़क रही है बहुत ज्यादा तेज, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? तुमने मुझे बुलाया, मैं चला आया। बच्चे बोलो क्या काम है? ताकतवरों में ताकतवर सबसे महाशक्तिशाली डेडपूल आ चुका है। अरे डेडपूल मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, लॉस सैंटोस पर खतरनाक डेडपूल हल्क अटैक हो गए। क्या डेडपूल हल्क भागो? अरे तुम क्यों से डरते हो, तुम तो बहुत ही डरपोक निकले। क्या डरपोक? और मैं किसी से नहीं डरता, मैं उस डेडपूल हल्क को नहीं छोड़ूंगा,
बताओ कहाँ मिलेगा वो? अरे लॉस सेंटोस में, वो अपने बहुत ही खतरनाक डेडपूल वायरस से पूरे लॉस सेंटोस को कुछ अजीब जानवरों में कन्वर्ट कर रहा है, तुम्हें सबको बचाना पड़ेगा। वो सब तो ठीक है, पर तुम्हें कैसे पता इस मंत्र से मैं यहाँ पर आता हूँ? अरे वो डेडपूल ने बताया, मेरे पता है गूगल पता चला था। क्या तुम्हें डेडपूल ने बताया? वो चूजा जिसके पास कोई शक्ति नहीं है। अरे ऐसा मत बोलो, इतने टाइम से वो लॉस सेंटोस को बचा रहा था, पर ये डेडपूल हल्क बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। कोई भी मेरे से ज्यादा खतरनाक नहीं है, आओ मेरे साथ, हम उस डेडपूल हल्क के बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। तो काइजर अभी आप देख सकते हो, ये खतरनाक वाला डेडपूल मान चुका है उस डेडपूल हल्क को हराने के लिए, अब तो मजा आने वाला है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, तुम टेंशन मत लो। अरे पर अभी हम यहाँ पे नहीं मर जाने चाहिए, कैसे चला रहे हो गाड़ी माउंटेन्स में? अरे ये तो सीधा नीचे उतार रहा है। तुम टेंशन मत लो बच्चे, मैं 800 साल से इस माउंटेन से ऊपर नीचे उतर रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला बच्चे। क्या 800 साल? मतलब कम से कम 5-6 हजार साल का तो ये होगा। नहीं बच्चे, मैं हूँ सिर्फ 4 साल का। अरे ये क्या कर दिया? अरे फ्रैंकलिन, तुम मेरे साथ चलो, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अरे नहीं नहीं, मैं इधर खड़ा था, तुम जाओ। अरे तुम डरते ही बहुत हो, अब तेरे डेडपूल हल्क मैं आ रहा हूँ तेरे गले। तुम सबको आज मैं खत्म करूंगा, डेडपूल हल्क के बच्चे, तेरा पापा आ गया, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अबे तू कहाँ से आ गया? तुझे मैंने 800 साल से नहीं देखा, अभी कहाँ से आ गया? मैं अभी आ चुका हूँ और तुझे खत्म मैं करके रहूंगा। डेडपूल हल्क तू नहीं बचेगा। अरे काइजर, हमारा डेडपूल तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा है, उसको कैसे बात कर रहा है? मुझे लगता है ये पक्का डेडपूल हल्क को बहुत ही बुरा मारने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। डेडपूल हल्क के बच्चे, तू तो गया। अरे मैं कहाँ गिर गया? अबे तेरे पीछे देख, तेरी चड्डी भी फटी हुई दिख रही है, पिंक कलर की फूलों वाली चड्डी पहनी है तूने। मैंने फूलों वाली चड्डी पहनी तो क्या हुआ? आजा मैं तुझे फूलों में घुमा के लाता हूँ। अबे छोड़ मुझे, अबे छोड़। अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला, अभी बताता हूँ कौन है सबसे साथ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, चल पानी में। अरे मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे प्लीज प्लीज, मैं अपने घर चला जाऊंगा। 800 साल से नहीं आया था, वापस चला जाऊंगा, कभी नहीं आऊंगा। अब मैं तुझे ऐसी जगह भेजूंगा जहाँ से आने में तुझे 800 क्या 8000 साल लग जाएंगे। अरे मुझे छोड़ दे, निकल यहाँ से और वापस मत आना। इस डेडपूल के बच्चे ने सोचा ये मुझे मार सकता है, पर इसको पता नहीं है डेडपूल हल्क सबसे खतरनाक है। इस लॉस सेंटोस पर मैं राज करके रहूंगा। अरे काइजर ये क्या हो गया? इस डेडपूल ने तो बोला था ये उसको बहुत मारेगा, पर उस हल्क ने तो इसकी हालत खराब कर दी और उसको उड़ा के पता नहीं कहाँ फेंक दिया। मैं तो जा रहा हूँ अपने घर पर, ये वाला डेडपूल तो बहुत ही कमजोर निकला। अरे डेडपूल, तूने तो बोला था कि वो वाला डेडपूल बहुत खतरनाक है, पर वो तो बहुत ही बुरी तरह पिट गया। अरे क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसा हो गया, वो बहुत ही बुरा उस डेडपूल हल्क ने उसको बहुत ही ज्यादा बुरी तरह मारा और पता नहीं कहाँ फेंक दिया। अरे क्या, मुझे तो लगा था वो ही हमारा लास्ट ऑप्शन है, वो ही इस पूरे लॉस सेंटोस पूरे अर्थ को बचाएगा। ये क्या हो गया? अरे तेरा आइडिया तो बहुत ही ज्यादा बकवास निकला। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, आओ मेरे साथ। तो काइजर, ये डेडपूल का प्लान तो बिल्कुल फेल हो गया, पर लगता है अब वो निकालने का टाइम आ चुका है। मैंने सोचा था इसके काम नहीं आएगा, पर इसके बिना कुछ नहीं होता। हम स्वागत कीजिए मेरे ड्राइंग मैजिक बोर्ड का। अरे तुम्हें अभी ड्राइंग बनानी है फ्रैंकलिन? मुझे ड्राइंग नहीं बनानी, इस ड्राइंग मैजिक बोर्ड पर हम जो भी बनाते हैं वो रियल लाइफ में आ जाता है, तो हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो। जैसे कि क्या बनाओगे? एक चूहा? अबे चूहा हल्क को कैसे हराएगा? तू छोड़, तेरे बस की बात नहीं है, मुझे कुछ बनाना पड़ेगा। चलो गाइस फटाफट से मैजिक बोर्ड पर कुछ ऐसा बनाते हैं जो कि उस डेडपूल हल्क के बच्चे को हरा सके। तो काइजर अभी हम आ चुके हैं ड्राइंग मैजिक बोर्ड पर, वो भी डेडपूल के साथ, और हमें इस पर कुछ ऐसा बनाना है जो कि उस डेडपूल हल्क को हरा सके। वो डेडपूल हल्क सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसलिए
लेके मैं उससे भी कुछ ज्यादा खतरनाक बनाना पड़ेगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले मुंह से शुरुआत करेंगे, तो मुझे पता है मैं क्या बनाने वाला हूँ। देखते सबसे पहले कौन गेस कर पाएगा कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। तो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका ये मुंह बन गया, अब इसके यहाँ पर बनेंगे बड़े बड़े खतरनाक खतरनाक हाथ। तो फटाफट से इसके हाथ बनाते, हाथ में होंगे बहुत ही खतरनाक डोले शोले, क्योंकि ये जो चना मैं बना रहा हूँ उसके बहुत ही ज्यादा खतरनाक बॉडी है। तो यहाँ पर बनाएंगे इसकी अंगुलियां, ये बन गई है ऐसे, और वापस से डोले शोले बनाएंगे। तो फटाफट से हमने इसका पहला हाथ यहाँ पर बना दिया। अब बारी यहाँ पर इसके दूसरे हाथ बनाने की। ये दूसरा हाथ यहाँ पर बन गया, इसकी भी अंगुलियां यहाँ पर बना देंगे और ये यहाँ पर डन। तो गाइस इसके दोनों हाथ तो हमने बना दिया, अब इसकी बाकी की बॉडी भी बना लेते हैं। यहाँ से इसकी बॉडी लेकर जाएंगे इसको ऐसे, यहाँ पर इसकी बढ़िया सी बड़ी सी बेल्ट होने वाली है और नीचे होंगे इसके खतरनाक खतरनाक पैर। तो फटाफट से इसके पैर ही बना दे, पैर में भी थोड़ी सी मसल दे दे ताकि और भी ज्यादा बढ़िया लगे। यहाँ पर इसका ऐसे बन गया और ये डन। यहाँ पर भी मसल देंगे, यहाँ पर बनाएंगे पैर, यहाँ पर थोड़ी मसल्स और ये डन। तो गाइस बार बार से तो ये पूरा का पूरा बन चुका है, अब बारी इसके अंदर बनाने की। सबसे पहले लेंगे हम एक सर्कल और यहाँ पर बनाएंगे इसके बीच में डेडपूल का जो लोगो होता है ना वो होने वाला है, ताकि जो भी बने वो डेडपूल से रिलेटेड हो। और यहाँ पर भी इसको हम यहाँ पर इसकी थोड़ी बेल्ट में डिजाइन देते हैं। मैंने बाकी कुछ चीज नहीं बनाई, सबसे पहले इसकी बेल्ट बना रहा हूँ, बहुत बढ़िया। चलो हम शुरू करते हैं और बाकी की सारी चीजें बनाते हैं। सबसे पहले इसके जूते में यहाँ पर डिजाइन देंगे और यहाँ पर इसको लोहे की मतलब चीजें पहनाएंगे इसके पैर में, इसको यहाँ पर ऐसे लेके जाएंगे। और यहाँ पर इसके पैरों में बंधी हुई एक खतरनाक सी गन, मतलब इधर ये स्ट्रैप है इससे बनी हुई एक गन, तो यहाँ पर गन दे देते हैं बिल्कुल डेडपूल की तरह। डेडपूल के भी यहाँ पर गन है, इसको भी यहाँ पर अपन गन दे देते हैं। और इसकी यहाँ पर ये पैंट भी फटाफट से कंप्लीट कर देते हैं, इसको ऐसे। तो बाकी की भी सारी की सारी डिजाइन इसको हम दे देते हैं ताकि ये बिल्कुल डेडपूल जैसा लगे, मतलब जो इसकी कॉस्ट्यूम है ना वो पूरी की पूरी डेडपूल जैसी लगने वाली है। पर ये डेडपूल नहीं है, मतलब डेडपूल है पर कुछ वर्जन वाला डेडपूल है, जैसे वहां पर हल्क डेडपूल था यहाँ पर कुछ और डेडपूल बनने वाला है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, बस आप देखते रहो ये कितना ज्यादा खतरनाक बनेगा। तो गाइस अभी आप देख सकते हो हमारा डेडपूल बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगने लग चुका है, और हम इसको पीछे इसकी स्वॉर्ड्स भी देने वाले, क्योंकि डेडपूल के पास यार खतरनाक खतरनाक स्वॉर्ड्स होती है। तो यहाँ पर इसके पीछे की साइड इसकी स्वॉर्ड्स होगी, तो यहाँ पर अपन इसकी स्वॉर्ड भी बना देंगे। यहाँ पर एक स्वॉर्ड, यहाँ पर दूसरी स्वॉर्ड, क्योंकि उसके पास दो दो स्वॉर्ड होती है, तो यहाँ पर दोनों स्वॉर्ड्स भी हमने यहाँ पर बना दिए। उसके अंदर भी थोड़ी डिजाइन दे दे ताकि ये बिल्कुल एकदम स्वॉर्ड जैसी लगे। यहाँ पर इसको स्वॉर्ड कर देंगे ये ऐसे और ये डन। तो गाइस आप देख सकते हो हमारा डेडपूल बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगने लग चुका है। अब इसको थोड़े से एब्स भी दे चुके हमारे, क्योंकि हमारे डेडपूल के बढ़िया बढ़िया एब्स ये। और यहाँ पर हमारी ड्रॉइंग पूरी कम्प्लीट हो चुकी है, बस इसका फेस बनाना बाकी। तो फटाफट से फेस बनाते हैं, अब देखते हैं कौन कौन समझ पाएगा कि मैं क्या बना रहा हूँ, क्योंकि इसका फेस ही बिल्कुल समझ आने वाला है कि क्या बनाने वाला हूँ मैं। इसको यहाँ पर ऐसे लेकर जाएंगे और यहाँ पर इसका ये आंखें बन गई और इसका यहाँ पर बड़ा सा मुंह बनने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और ये बन गया इसका मुंह, और मुंह के अंदर होंगे खतरनाक खतरनाक दांत, और यहाँ पर दांत बन गए, और यहाँ पर भी दांत बनाएंगे, और यहाँ पर भी दांत बनाएंगे, और बीच में से इसकी निकलेगी बढ़िया सी जीभ। जो इसकी टंग है वो बहुत ही ज्यादा लंबी होती है, तो देखते हैं कौन कौन गैस कर पाएगा। तो गाइस मुझे लगता है यहाँ पर हमारी ड्रॉइंग पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है, बस एक छोटी सी चीज बाकी है डेडपूल के लोगों को कंप्लीट करना, और वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलो फटाफट से इसके अंदर कलर बनते हैं और इसको बनाते हैं खतरनाक सा डेडपूल वेनम। तो जिसने गैस किया था डेडपूल वेनम वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा खतरनाक सा डेडपूल वेनम बिल्कुल तैयार है। फटाफट से इसके कलर करेंगे, यहाँ पर रेड, यहाँ पर रेड। आपको बताइए डेडपूल ज्यादातर रेड रेड ही है, तो हर जगह हमने यहाँ पर रेड कर दिया। और इसकी आंखों में हमें एक छोटी सी आंखें और बनानी है जो कि वेनम की होती है, तो यहाँ पर अपन इसके एक आंख और दे देंगे, यहाँ पर एक आंख। और वापस से कलर में जाके डार्क ग्रे करेंगे इसकी आंखों के अंदर, ब्लैक अच्छा लगेगा क्या? रुक जाओ, ब्लैक भी बहुत ही मस्त लग रहा है। और अब बाकी की यहाँ पे भी सारी चीजें ब्लैक कर देंगे, ब्लैक 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 और ये ब्लैक। एक सेकंड, इसके हाथों में रेड रह गया, तो इसके हाथों में भी अपन यहाँ पर रेड कर देंगे। उसके बाद हम लेंगे ब्राउन कलर, ब्राउन कलर लेके इसकी बेल्ट के अंदर होगा ब्राउन कलर, इधर स्ट्रैप में ब्राउन कलर, और ये ब्राउन कलर हमारा हो गया डन। और अब हमें डेडपूल के लोगो को भी कलर करना है, तो इसके अंदर करेंगे रेड और अंदर व्हाइट ही रहने वाला है। अब इसकी स्वॉर्ड्स की बारी, इसकी स्वॉर्ड्स में भी फटाफट से कलर कर देते हैं। यहाँ
पर ये ले ये ले ये ले, और इसके स्वॉर्ड्स में भी कलर हो गया, और इसके दांतों में कौन सा कलर करा जाए, पिंक कलर अच्छा लगेगा क्या, इसके दांतों में हम करने वाले पिंक कलर का, पिंक कलर का डेडपूल आज तक किसी ने देखा, और इसकी जीभ होने वाली है पूरी की पूरी ब्लैक कलर की। तो गाइस आप देख सकते हो ये बहुत ही खतरनाक लग रहा है, और इसकी गन में भी कलर कर देते ब्लू कलर का, और हमारा यहाँ पर खतरनाक सा डेडपूल बिल्कुल तैयार है उस खतरनाक से डेडपूल हल्क से लड़ने के लिए। तो फटाफट से इसको रियल लाइफ में लाते हैं, उसके लिए आप सबको कमेंट में लिखना पड़ेगा रियल लाइफ, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो तब ये रियल लाइफ में आएगा, और ये पेंटिंग बनाइए दुनिया के सबसे खतरनाक पेंटर ने। तो गाइस आप देख सकते हो हमारी ड्राइंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, और मैं कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा हूँ। डेडपूल ये देख, इसको बोलते हैं डेडपूल, ना कि तुम चूजों की तरह एक नॉर्मल सा डेडपूल, ये है दुनिया का सबसे खतरनाक डेडपूल जो कि उस डेडपूल हल्क को भी हरा सकता है। चलो फटाफट से चलते हैं और उस डेडपूल हल्क को मारते हैं, और उसको दिखाते हैं कौन है सबसे ज्यादा खतरनाक डेडपूल। डेडपूल हल्क, तूने लॉस सैंटोस को बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया, अब मेरी बारी आ चुकी है तुझे खत्म करने की। अब ये कौन सा चूजा है, अलग अलग डेडपूल आते जा रहे हैं, तुम सबको मरना है क्या? पिछला वाला डेडपूल तो कमजोर था, उससे पिछला और भी ज्यादा कमजोर, पर मैं सबसे खतरनाक हूँ, आज तक का दुनिया का सबसे खतरनाक डेडपूल हूँ मैं, और मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मुझे मारा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। तेरी तो ऐसी की तैसी ही गेल है। तू कैसर, इस डेडपूल हल्के बच्चे को तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, इसने लॉस सैंटोस वालों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया, अब इसके खत्म होने की बारी आ चुकी है। और कैसर अगर आप चाहते हो कि डेडपूल हल्क हार जाए, तो आपको पता है क्या लिखना है, डेडपूल हल्क तू तो गया, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। कोई ऐसा कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि आज मैं मरने नहीं वाला, मैं तुझे खत्म करूंगा। अरे कैसर, ये तो मुझे अभी भी बहुत ही ज्यादा मारे जा रहे हैं, मुझे लगता है मेरे पास अभी भी कम पावर्स है, इसकी पावर्स अभी भी खतरनाक है। तो कैसर अगर आप चाहते हो मेरी पावर्स बढ़ जाए, तो फटाफट से कमेंट कर दो पावर इंटू 1000, पावर मल्टीप्लाई बाय 1000 कमेंट करने से मेरी पावर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। तो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, वरना मैं तो मर जाऊंगा। आज तुझे कोई नहीं बचाने वाला, दुनिया में सिर्फ एक ही डेडपूल है, और वो हूँ मैं। तुम सब डुप्लीकेट हो। मैं डुप्लीकेट नहीं, तू डुप्लीकेट है, और तू सबसे कमजोर डेडपूल है, ये ले। ये क्या, तुमने मेरा प्लेन तोड़ दिया, अब मैं तुम्हें तोड़ूंगा। यस, अरे कैसर ये तो बहुत ही ज्यादा मारे जा रहा है, पागल हो गया लगता है ये तो। इसको पकड़ते हैं, इधर आ, इसको मैं अब बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, अब तेरी मार खाने की बारी आ चुकी है, इधर आ हल्के बच्चे, इसको लेकर चलते हैं, ये ले। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तेरे गुस्से की ऐसी की तैसी, कहां गया? अपने आगे तो देखो। अरे ये फिर से आ गया, पीछे से छुप छुप कर वार करता है, बेशरम, ये ले, इसको नहीं छोड़ने वाला, ये ले। इस हल्के बच्चे को कैसे भी करके हमें खत्म करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसको खत्म करके रहेंगे। रुक जाओ, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं तुझे मार भी सकता हूँ, और अभी तुझे मारने भी वाला हूँ। तो ऐसे के साथ हमने डेडपूल को भी यहाँ पर देख, तो कैसर हमने डेडपूल हल्क की हालत बहुत ही ज्यादा खराब कर दी। अभी आप देखो, मैं इसको अपने हाथ में लेके घूम रहा हूँ, और ये मेरा कुछ नहीं कर सकता, इसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। और इसने हमारे डेडपूल के नाना के बेटे के चाचा के फूफा के भाई को पानी में फेंका था, और बहुत ही ज्यादा दूर, इसको भी हम पानी में लेकर जाएंगे, पर इतनी आसानी से नहीं फेंकेंगे, पहले इसको पानी में डुबोएंगे, फिर बाहर लेकर जाएंगे, फिर पानी में लेकर जाएंगे, फिर पानी में लेकर जाएंगे, फिर बाहर लेकर जाएंगे, ऐसे करके इसको थोड़ा मजा दिलाएंगे, फिर जाके हम इसको लॉस सैंटोस के नाले में फेंक देंगे। बाय बाय डेडपूल हल्क। और इसी के साथ डेडपूल हल्क की कहानी होती है खत्म, और हमने पूरे के पूरे लॉस सैंटोस को बचा लिया एक खतरनाक सा वेनम डेडपूल बनके, क्योंकि हल्क से खतरनाक होता है वेनम, इसलिए हम वेनम बने थे। तो गाइस अचीवमेंट से बिताई, अगर आपको लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं इसलिए वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो, और गाइस इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वहां पे जाके ज्वाइन और फॉलो करना, और गाइस हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।